कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर पर अवैध सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फैक्ट्री में मौजूद थे। अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री से करोड़ों की नकली सैनिटाइजर सहित फिनाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के गौसपुर कटौला रोड पर चल रही थी अवैध सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री। कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए सैनिटाइजर एक उचित माध्यम है, लेकिन कुछ लोग इसको नकली बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। प्रयागराज आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही है। आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने इस फैक्ट्री की रेकी करना शुरू कर दिया। रेकी के दौरान पुलिस को स्पष्ट हो गया कि फैक्ट्री में अवैध रूप से सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। प्रयागराज आबकारी विभाग और कौशाम्बी पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मार दिया। फैक्ट्री में नकली सैनिटाइजर बनाने वाले 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मौके से नकली सैनिटाइजर बनाने वाले उपकरण को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री लॉकडाउन से चल रही थी। पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री किसकी है और इसका मालिक कौन है। यहाँ पर किस तरह से छापेमारी की गई है और क्या बरामद हुआ है, कितने का माल बरामद हुआ? हम लोगों को जब मार्केट में इस तरह का सैनिटाइजर मिला जो यहाँ का पता था और प्रयागराज में कोई FL-41 लाइसेंस जारी नहीं हुआ, तो हम लोगों को शंका हुई। हम लोग यहाँ से लगभग एक सप्ताह से मुखबिरी कर रहे हैं और यहाँ आज अचानक छापा डाले। यहाँ करोड़ों रुपए का ये सैनिटाइजर है, फिनाइल है, और ये आपका जो नल सफ़ा करने वाला है, कार वाश है, इस तरह कई चीज़ें मिली जो केमिकल मिले जो कि सब नकली अवैध हैं, किसी तरह के पेपर नहीं प्रस्तुत कर सके। और इसमें तो बिल्कुल है ये जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें केमिकल यूज कर रहे हैं, अल्कोहल यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि इसमें लिखे हैं 75% अल्कोहल। यदि 75% अल्कोहल यूज करते तो हमें करोड़ों रुपये राजस्व मिलता, वो नहीं मिला, राजस्व की हानि हो रही थी। तो हम लोगों ने इसको पकड़ लिए। कोई लाइसेंस नहीं दिखा पा रहे हैं और हमारी जानकारी में है कि प्रयागराज में कोई अभी सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस नहीं लिए हैं। क्या यहाँ पर बनाया जाता था फैक्ट्री है? हाँ बिल्कुल फैक्ट्री है, देखिए आपके सामने फैक्ट्री रूप दिखा, मशीनें लगी हैं, सब ऑटोमेटिक मशीनें लगी हैं, आप सामने देख लीजिए ये मशीनें लगी हैं। कितने का माल बरामद हुआ? माल तो कुल मिला के तो हमें लग रहा है करोड़ रुपए का है, लेकिन इसमें कई विभागों शामिल हैं, उनको भी देखना चाहिए। जैसे ड्रग विभाग है और सेल्टेक्स है और आपका फूड विभाग है, उनको भी आना चाहिए, देखना चाहिए। कोरोना में कितने तक का राजस्व नुकसान कर चुके होंगे? अब ये तो हमारा अंदाज है कि कई करोड़ों का नुकसान कर चुके हैं। हमारे 75% अल्कोहल सैनिटाइजर मिलाते तो कितना अल्कोहल आता, उससे कितनी ड्यूटी हमें मिलती राज्य सरकार को, वो नहीं मिली, इन्होंने नुकसान किया। इंद्रजीत गर्ग, आपका निरीक्षण, सेक्टर 1, प्रयागराज।